मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। भारत की सरजमीं पर 70 साल बाद चीतों की आमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चीतों को लाने के लिए भारत से एक विशेष जंबोजेट V-747 नामीबिया की राजधानी विंडहॉक पहुंच चुका है। इस विमान को बाहर से नहीं अंदर से भी चीतों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है ताकि उसमें पिंजरों को आसानी से रखा जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के निजी स्कूल की बस में 3.5 साल की बच्ची से रेप के मामले में गुरुवार को भोपाल पुलिस कमिश्नर को तलब किया। सीएम ने कहा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति है तो हम बात भी नहीं करेंगे। सभी को बुलाइए, स्कूल प्रबंधन को बुलाएं और कड़ी कार्रवाई करें। यह कोई साधारण घटना नहीं है, कितना भी बड़ा स्कूल हो जवाबदार है, कितनी जल्दी सजा हो सकती है देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में गुरुवार को कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा फूट कर रो पड़े। उन्होंने रोते हुए आरोप लगाया कि विधानसभा में पुलिस वालों ने उनसे मारपीट की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सिरोंज से भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने धक्का मुक्की करते हुए मेरा गला दबा दिया, मेरी जान को खतरा है। धार के पीतमपुर में मीट दुकानदार की दिन दहाड़े गला काट कर हत्या की वजह का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे दुकानदार का अपने घर आना जाना पसंद नहीं था। उसे शक था कि दुकानदार का उसकी मां के साथ अफेयर है। आरोपी ने 13 सितंबर को उसे पहले बहरहमी से पीटा, फिर चाकू से उसका गला रेत दिया था। नेताओं के वादों पर जनता अक्सर तंज कसा करती है, लेकिन मध्य प्रदेश की एक महिला जनप्रतिनिधि ने अपना चुनावी वादा खुद से पैसे खर्च कर पूरा कर दिखाया। बुरहानपुर में इंदौर इक्षापुर हाईवे से सटी ग्राम पंचायत झिरी की महिला सरपंच ने अपने गहने गिरवी रखकर ग्राम पंचायत में CCTV लगवा दिए, जिसने भी यह सुना सोच में पड़ गया, लेकिन यह सच है। उन्होंने पंचायत चुनाव के घोषणा पत्र में CCTV लगाने का जनता से वादा किया था। इसमें कोई शक नहीं, महिला सरपंच की यह पहल दूसरों के लिए एक नजीर है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।